चलिए, तो आज बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनाने वाली हूँ आज मैं। आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसका जो मसाला है वो हम घर का ही मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 200 ग्राम करीब ये पनीर लिया है और इसको थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। और इस तरीके से देखिए, आप देखिए साइज है, पनीर आपका है तो आप अपने तरीके से इसको कट कर सकते हैं। और सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर को डाला है सब पे। और इस तरीके से मैंने फिर इसमें हल्दी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है ऊपर से। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। और ये इस तरीके से एक एक पीसेज में ना हमको उठा उठा के हाथ में ले लेके इस तरीके से सब में लगा देना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है एक एक करके लगाने में। और इस तरीके से देखिए, मैंने सारे पीसेज में लगा दिया है और बहुत सुंदर सा ये दिख रहा है यहाँ पे। और साथ में मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का और इसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखिए हरा मटर फ्रेश हमें मिला था वो ले लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं करीब 100 ग्राम ये होगा मशरूम है। और इसको मैंने 2 ही टुकड़ों में कट किया है, आप अपने अनुसार इसको छोटे बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2 से 3 मैंने यहाँ पे प्याज को भी इस तरीके से लच्छे में काट लिया है। तो चलिए अभी हम आगे जानते हैं कि अभी क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और ये जब गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाते हैं ना, उसी में आप सब्ज़ी बनाया कीजिए। तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, तो देखिए इसको डाल के गरम कर दिया है। और साथ में जितने भी पनीर के पीसेस थे ना, सबको डाल दिया है एक एक करके इस तरीके से। और इसे ना हमें भूनना है, मतलब फ्राई करना है, और जो ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे फ्राई करेंगे। और पनीर जो होता है ना, बहुत ही जल्दी इस तरीके से देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगता है। तो मैं यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी से इसको पलट दे रही हूँ। और अभी हमें ना इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे कि जितने भी पनीर के पीसेस हैं ना, उसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तेल को मतलब साइड करके निकालेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे मतलब पनीर को निकाल के देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरीके से मैंने ब्राउन इसको फ्राई किया है। साथ में इसमें जो ऑयल बचा है ना, इसी में मैं प्याज को डाल दे रही हूँ। देखिए, आपका अगर तेल कम बचा है ना, तो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, नहीं तो हमें बस जितना भी बचा था मैंने उसी में डाल दिया है। और अभी प्याज को ना भूनना है, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है, क्योंकि प्याज जो भून के है और हम इसे अभी इसके साथ मसाला रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भी भून लिया है और इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, इसका हम पेस्ट बनाऊँगी, जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे प्याज को निकाल लिया है और अभी हमें देखिए इसे पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा तेल ऐड किया था, जो थोड़ा सा कम लग रहा था। तो यहाँ पे जीरा डाला, हींग डाला, और थोड़ा सा जैसे 2-3 इलायची है, 2-3 लौंग है, और 1 रेड चिली है। इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। उसके बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो टमाटर का प्यूरी बना के रखा था उसको डाल दिया है। और ये जो प्यूरी है ना, अभी कच्चा है, तो मैंने अभी क्या करना है, इसे भूनना है। जब तक इसका पानी ना सूख जाए तब तक इसे भूनेंगे, ताकि ये स्वाद अच्छा आए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैंने ब्राउन करके प्याज को तो भून लिया है, पर ये कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए उसे जब तक भूनने देते हैं। और यहाँ पे एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने दही लिया है और साथ में यहाँ पे जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, और जीरे में मिक्स है काली मिर्च, और यहाँ पे रेड चिली है, तीखा वाला कश्मीरी रेड चिली। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है और स्वाद के अनुसार नमक को भी डाल दिया है। तो देखिए, जो दही आप ले रहे हैं ना, वो दही ना खट्टा नहीं होना चाहिए। बस जैसे ताज़ा दही लेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खट्टा दही लेंगे तो थोड़ा सब्ज़ी खट्टा खट्टा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पहले मिक्स कर लिया है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो पानी भी डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है। क्योंकि मैंने जो दही का मसाला रेडी किया है ना, थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि डालने में हमें आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं हल्दी को भूल गई थी डालने, तो हल्दी को बाद में ऐड करके फिर से मैंने मिक्स कर दिया है। जब तक मसाला बनाई हूँ, यहाँ पे देखिए टमाटर भी ये भून चुका है लगभग,
और ये ऑयल सेपरेट होने लगा है, यानी कि ये भून चुका है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो मैंने मसाला रेडी करके रखा था उसको अभी डाल देना है। तो दही है ये लगातार चलाएंगे, इसमें बॉयल आने देंगे क्योंकि ये फट जाएगा दही, तो इसलिए मैं लगातार इस तरीके से चला रही हूँ। और देखिए बॉयल आ गया, अब इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये बॉयल आ गया ना, उसके बाद यहाँ पे पीसा हुआ जो प्याज है, जो भुना हुआ मैंने रखा था उसको पीसा था, उसको डाल देना है और अभी इसे भूनना है। और यहीं पे अभी हमें क्या करना है, इसी के साथ हमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देना है, क्योंकि पहले मैंने देखिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट नहीं डाला था। तो मैंने जस्ट 1 मिनट उसको ढका, उसके बाद जब कवर निकाला तो उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और इसे मैं खुले में 2-3 मिनट पका ली। तो इस तरीके से भून लेना है, क्योंकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट कच्चापन थोड़ा निकल जाएगा। और मसाले के साथ जब भूनेंगे ना इस तरीके से, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको सुगंध आएगा, लगेगा कि हाँ मेरा सब्ज़ी बहुत ही अलग तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा जो मटर रखा था और मशरूम को रखा था उसको भी डाल दिया है। आप अगर कोई भी आपके यहाँ आता है, कोई फेस्टिवल में बनाते हैं ना, तो इस रेसिपी को आप एक बार बनाइएगा इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट करके इसको ढक के पका लिया है, ऑयल बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है और मसाला भी देखिए कलर चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है कि भून चुका है, क्योंकि मटर और मशरूम को भूनने में पकने में टाइम नहीं लगता है। तो देखिए भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है इस तरीके से, और पानी ऐड करने के बाद ये बॉयल आ गया अच्छा सा। उसके बाद यहाँ पे हमें पनीर डाल देना है। अगर आपको लग रहा है ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा है, क्योंकि अभी हमें पनीर को थोड़ा देर पकाना है, क्योंकि अभी ये फ्राई हुआ है तो हार्ड है, तो ग्रेवी में पकाएंगे ना तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने ग्रेवी के अनुसार पानी डाल के इसको 7-8 मिनट के लिए मैंने पकाया था। उसके बाद देखिए ये रेडी हो चुका है सब्जी लगभग, और आप इसे बाद में थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ, पर धनिया पत्ता नहीं डाली हूँ, इसलिए कि हमें ना थोड़ा आज अलग तरीके से खाना था, क्योंकि सभी सब्जी में अगर धनिया पत्ता डाल देते हैं तो लगता है एक ही जैसा बना हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ गरम मसाले के साथ इसको बनाई हूँ। और देखिए सब्जी इतना लाजवाब लग रहा है ना देख के, और मुँह में पानी आ जाएगा देख के इस तरीके से देखिए। तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा इस सब्जी को, तो घर में बहुत ही पसंद आएगा सबको। आप टिफ़िन वगैरह में दे सकते हैं, पूरी पराठे के साथ बना सकते हैं, कोई फेस्टिवल में बना रहे हैं, अगर आपको अच्छा सा सब्जी बनाना है पनीर का, तो ये वाला सब्जी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर